हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज प्रोबेबिलिटी का हमारा सेकंड पार्ट है। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे वो आज कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपने पार्ट वन देख लिया होगा, तभी आप पार्ट टू की तरफ आ रहे हो। ये थोड़ा सा हाई लेवल आप इसे समझ सकते हो। हालांकि जेके एसएसबी के एग्जाम में प्रोबेबिलिटी है, किसी भी कम्पिटिटिव की बात करूँ वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का सब्जेक्ट तो नहीं रहता है, बट कहीं पर अगर है प्रोबेबिलिटी तो वहाँ पर भी आपके काम आएगा। समझना चाहिए आज की जो सेशन में आपको बताऊंगा। जैसे लास्ट की वीडियो में क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मैं, अगर आपको रिवाइज करवाना चाहूँ तो कैसा क्वेश्चन रहेगा। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन सिंगल कॉइन इज टॉस्ड। मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है। आपने कॉइन को टॉस किया तो वहां पर क्या चांसेस है, क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। या तो आपके पास हेड आएगा या तो टेल आएगा। आपने एक ही कॉइन को टॉस किया है तो वहां पर या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सिंगल हेड आपके पास आना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, आपके पास कितने रिजल्ट आ सकते हैं, जितने भी मैक्सिमम रिजल्ट आपके पास आ सकते हैं वो आपने नीचे की तरफ लिखना है। आपने कॉइन को टॉस किया, आपके पास दो ही तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब आपके पास मैक्सिमम दो ही रिजल्ट आएंगे। तो नीचे की तरफ हमने लिख दिया टोटल आउटकम्स, जितने मैक्सिमम रिजल्ट हैं। अब आपके फेवर में क्या है, यहाँ पर आपको क्या चीज़ लिखनी है जो आपके फेवर में है। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन सिंगल कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा। अब यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स थे आपने वहाँ पे लिख दिए, सैम्पल स्पेस में अपने सारे रिजल्ट लिख दिए। आपके फेवर में क्या है कि यहाँ पर हेड आना चाहिए, और हेड तो एक ही बार आ सकता है ना, तो यहाँ पे वन लिख दोगे। आपके फेवर में जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पर लिख दो, नीचे टोटल रिजल्ट निकाल दो तो 1/2 आ गया। ये सब हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा था। अब हम चलते समझते कि आज की वीडियो में किस तरह के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कल की वीडियो में हमारे पास क्या था कि हमारे पास कोई बैग था, हम वहाँ से एक बॉल निकाल रहे थे। आज कैसे क्वेश्चंस होंगे, हमारे पास बैग होगा, वहाँ से हम तीन बॉल निकालेंगे या फिर चार बॉल निकालेंगे। कल की वीडियो में हमारे पास क्या था, हमारे पास डाइस था, हमने एक डाइस को फेंका, हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे। आज के सेशन में क्या होगा, दो डाइस होंगे, तीन डाइस होंगे, इस तरह की चीज़ें निकलेंगी, और कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। कल की वीडियो में हमने कार्ड के जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी डिस्कस कर लिए, तो कार्ड वाले क्वेश्चन हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। और जो हम टॉस की बात करते हैं, इसमें भी जब दो दो कॉइन की टॉस की बात करोगे, तीन टॉस की बात करोगे, वो वाले क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, उसी की हेल्प से आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और कहा गया है व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। यहां पर क्या है, दो कॉइन को टॉस किया गया है। पहले क्या था, एक ही कॉइन को टॉस किया गया है, अब आपके पास दो कॉइन हो चुके हैं, अब इनको टॉस करना है और प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, एक हेड की बतानी है। अब यहां पर कुछ चीजें मैं टाइम बचाने के लिए पहले ही लिख चुका हूं, आपको मैं समझा देता हूं। आप एक बार टॉस करोगे तो आपके पास क्या चांसेस क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। कल भी डिस्कस किया था मैंने, आपके पास एक कॉइन ये है, एक आपके पास कॉइन सेकंड वाला ये है, ठीक है। आपने टॉस किया, जब एक ही कॉइन की बात की, टॉस करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, वो तो सिंपल है। अब हम चलते हैं दो कॉइन की तरफ। जब आप दो कॉइन्स को टॉस करोगे तो तब क्या प्रोबेबिलिटी आपके पास, सारे रिजल्ट आपके पास क्या क्या आएंगे। हो सकता है जो पहले वाला कॉइन था उसमें हेड आ जाए और दूसरे वाले में भी हेड आ जाए। तो पहला तो सैंपल स्पेस में जो पहला इवेंट हमारे पास, जो पहला एलिमेंट था वो ये आ गया। और क्या हो सकता है, हो सकता है कि जब आपने टॉस किया था पहले वाले जो कॉइन है हमारे पास उसमें हेड आ गया हो लेकिन दूसरे वाले में टेल आ गया हो, ये भी हो सकता है। या तो ये भी हो सकता है कि पहले वाले में टेल आ गया हो और दूसरे में हेड आ गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों कॉइन में टेल आ चुका हो, ठीक है। तो इस तरह के जो सैंपल स्पेस है वो भी बन सकता है जब दो कॉइन की बात की जाएगी। अब उसी तरह से अगर तीन कॉइन की बात करो तो वहां का सैंपल स्पेस आपके सामने है। थोड़ी सी हिंट देता हूँ, बाकी आप अपने से भी बना सकते हो। वैसे अगर आपके पास चार कॉइन होंगे तभी आप बना सकते हो। तीन कॉइन का कैसे है, मान के चलो एक कॉइन हमारे पास यहाँ पर और आ गया, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, थर्ड वाला। आपने जैसे ही टॉस किया, हो सकता है थर्ड वाले की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है कि ऐसा होता जो हमारे पास पहला वाला है उसमें हेड आए, दूसरे में भी हेड आ जाए, तीसरे में भी हेड आ जाए, हो सकता है। अब सेकंड केस की बात करते हैं, हो सकता है कि जो पहला वाला टॉस था, पहला वाला जो कॉइन था वहां पर हेड आ गया हो, दूसरे में भी हेड आया हो लेकिन तीसरे में टेल आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले में हेड आ गया हो, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल। ऐसा भी हो सकता है कि पहले में हेड फिर टेल फिर हेड। ऐसे करते करते बनाते जाओगे तो आपके पास आठ इस तरह के आपके पास जो रहते हैं एलिमेंट्स वो बन जाएंगे, आठ रिजल्ट आपके सामने बन जाएंगे। अब अगर आपके पेपर में आ जाए चार कॉइन की बात की, जिसको टॉस किया गया, पांच की बात की जाए,
तो टोटल रिजल्ट आप कैसे निकालोगे वो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जब एक कॉइन था आपके पास कितने रिजल्ट निकले, 2 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 1 का क्या 2 आंसर आ जाएगा। जब आपके पास 2 कॉइन आ चुके थे तब आपके पास टोटल रिजल्ट कितना आएगा, 2 की पावर 2, कितना होता है 4 होता है ना, 1 2 3 4, 4 रिजल्ट आपके पास आ चुके हैं। मैक्सिमम आउट होम कितने आए, 4 आए। जब आपने 3 कॉइन को टॉस किया तब आपके पास कितने आए, 2 की पावर 3, मतलब जितनी बार आपने टॉस किया ना 2 की उतनी पावर कर दो, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया है, मुझसे बाय मिस्टेक हो गया है, बट यहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स बनेंगे वो 8 ही बनेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। एक बार आप वेरीफाई कर लेना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मैंने किन दो चीज़ों को, मतलब किस चीज़ को मैंने 2 बार कर दिया है, वो मैं आपको काम दे रहा हूँ। वैसे अगर हमारे पास 4 होता है यहाँ पे, अगर 4 बार करते तो 2 की पावर 4 आपके पास आंसर आ जाता। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, थोड़ा आपका टाइम लगा दे। यहाँ पर कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको एक हेड की जब 2 कॉइन को टॉस किया गया है। अब नीचे की तरफ मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी बताया, लास्ट की वीडियो में भी बताया है, नीचे की तरफ हम क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम, जितने भी रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं आप सारे लिख दो। अब मुझे याद है, मुझे सब चीज़ ना भी याद हो तभी मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा, 2 कॉइन को टॉस किया गया 2 की पावर 2 आपके पास रिजल्ट आएंगे, 3 को किया होता 2 की पावर 3 आ जाता। यहाँ पे 2 कॉइन की बात कर रहे हैं ना, तो यानी कि रिजल्ट कितने आएंगे, 2 की पावर 2, यानी कि 4, नीचे की तरफ 4 आ गया। इतना आपको समझ आ गया, याद रखना जब भी कॉइन की बात करेंगे पावर किस तरह से बढ़ेगी, टोटल रिजल्ट किस तरह से निकालोगे, 2 की पावर में चलते जाओगे। अगर यहाँ पर होता कि 4 बार टॉस किया गया, आप ये सब चीज़ें बनाना स्टार्ट करते तो कितना टाइम आपको वेस्ट होता, बट कम्पिटिटिव में टाइम वेस्ट नहीं करना होता, इस तरह की ट्रिक को यूज करना होता है। अब वहां पे आप 2 की पावर 4 कर लेते, इस तरह से आपका काम चलना था। नीचे की तरफ क्या आ गया, टोटल जो आपके पास रिजल्ट थे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, कि आपके पास एक हेड होना चाहिए, ठीक है। अब 2 बार जब टॉस करते हो तो मैं आपको बताया आउटकम इस तरह का बनता है ना, 2 बार टॉस करने पे इस तरह का आउटकम बनता है। अब यहां पर बताओ कौन से ऐसे रिजल्ट थे जहां पर आपके पास एक हेड आ रहा था। अगर इसकी बात करें ये हो ही नहीं सकता, यहां पर तो 2 हेड आ रहे हैं। इस केस की बात करें एक हेड आ रहा है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आपको एक हेड चाहिए था ना, तो एक हेड कितनी बार आपको देखने को मिल रहा है, 2 बार देखने को मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/4, इसको कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगी। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक, कि जो टोटल रिजल्ट है वो आपको समझ आ गया 4 है, बट इन चीज़ों को पता करने के लिए तो आपको सैम्पल स्पेस बनाने पड़ेगी ना, इन चीज़ों को देखने के लिए कितने हेड है कितने टेल हैं, तो वो भी तो टाइम वेस्ट हो सकता है। अब उसकी भी ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 11, एक तो मैंने आपको बताया टोटल रिजल्ट कितना होगा, टोटल रिजल्ट के लिए आपको क्या याद रखना है, जो न्यूमरेटर में होगा 2 की पावर करनी है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 चलते जाना है। बट यहाँ पर अब मैं बात करूँगा न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, 11 की पावर याद रखनी है। जब एक बार टॉस किया तो 11 की पावर 1, जब 2 बार टॉस करोगे 11 की पावर 2, जब 3 बार टॉस करोगे 11 की पावर 3। अब इसका मतलब पहले समझ लो क्या है, उसके बाद आपने एक काम करना है। अगर आप ट्रिक की हेल्प से करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, टाइम आपका बच जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, वरना भूल जाओगे। बाकी आपको ट्रिक नहीं समझ आती है तो इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम वेस्ट वाली अप्रोच रहेगी ये, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। 11 की पावर 1 का मतलब क्या है, जब आपने एक बार टॉस किया था तो आंसर आपके पास आ जाएगा 11। 11 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 121, क्लियर हो गया। वैसे 11 की पावर 3 करेंगे 1331, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1331। वैसे 3 बार टॉस था ना आपके एग्जाम में, ग्रुप 2 की बात करो यार, इसकी जो हम क्लास 4 की बात करें, लास्ट पावर 2 में जाएगा, पावर 3 में जाएगा, इससे आगे वो नहीं बढ़ेगा, उसकी इतनी औकात ही नहीं है, ठीक है। या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा। वैसे अगर आगे की तरफ बढ़ते तो 11 की पावर 4 भी आ जाता। अब यहाँ पर इसका मतलब समझो, इनका मतलब क्या है, ये 1-1 है ना, 1-1 का मतलब क्या हुआ, एक हेड एक टेल है, क्लियर हो गया। 1-2-1 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब 2 बार हेड आ गया ना, 2 बार हेड एक बार आया है, 2 बार टेल भी एक बार आया है। इतना क्लियर हो रहा है, मतलब सिर्फ हेड की बात करें वो एक था, सिर्फ टेल की बात करें वो एक बार था। यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो सिर्फ हेड की बात करें वो भी एक बार है, सिर्फ टेल की बात करें वो भी एक बार है। आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे बात करें सिर्फ हेड की बात करें एक बार है, सिर्फ टेल की बात करें एक बार है। अब यहाँ पर केस 2 का मतलब क्या है, कि एक बार हेड था एक बार टेल था, एक बार हेड एक बार टेल, ऐसा 2 बार हो चुका है। फिर से समझाऊंगा, 1-1 का मतलब होता है कि एक ही बार हेड है और एक ही बार टेल था।
इस टू का मतलब क्या है, दो केस आपके पास ऐसे आए थे जहां पर हेड टेल कंबाइन होकर आ रहे थे, हेड टेल यहां पर भी आया, हेड टेल यहां पर भी आया, दो केस ऐसे वाले थे। अगर आपको ये चीज़ याद रहती तो आपको सैम्पल साइज बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपने सिर्फ पेपर में लिखा था 121, आपको समझ आ जाता। आपसे कोई पूछा था कम से कम एक हेड होना चाहिए, सिर्फ एक हेड होना चाहिए, तो एक हेड वाले आपके पास ये दो आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने 2x4 कर लेना था, ठीक है। अब भी इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन सा लग सकता है। अब हम एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड। अब यहाँ पर इन चीज़ों को समझना, एट लीस्ट क्या होता है, एट मोस्ट क्या होता है, इन चीज़ों को ध्यान से समझना। कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। फिर से दो हेड, दो कॉइन्स हैं, उनको टॉस किया गया है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर आपके पास कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो जाएं। फिर से कम से कम आपके पास एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाए, कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट वाली। अब यहाँ पर फिर से वही है, जब हम बात करते हैं दो कॉइन की, हमारे पास सैम्पल स्पेस ये वाला बनता है। फिर से हमने दो कॉइन की बात की, सैम्पल स्पेस हमारे पास ये रहेगा, नीचे की तरफ हम क्या लिखते थे, नीचे की तरफ हम लिखते थे टोटल रिजल्ट हमारे पास क्या आया, टोटल आउटकम हमारे पास क्या आया है, वो हमारे पास थे 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो हमने लिख दिए 4 नीचे की तरफ। अब ऊपर हमें क्या कहा गया है, एट लीस्ट वन हेड, कम से कम आपके पास एक हेड तो आना ही चाहिए, एक हेड तो यहाँ पर भी है कम से कम, कम से कम एक हेड यहाँ पर भी है, कम से कम एक हेड यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब तीन हमारे पास रिजल्ट ऐसे थे जहाँ पर कम से कम एक हेड देखने को मिल रहा था, तो आपका आंसर यहाँ पे 3x4 हो जाना था। ये था सिंपल तरीका। ट्रिकी हेल्प आप कैसे करते, आपको पता है कि दो कॉइन्स को टॉस किया गया है, इसका मतलब नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वहाँ पे तो 4 ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया टोटल रिजल्ट का फॉर्मूला क्या बताया, 2 की पावर कर दो, पावर कितनी कर रहे हैं, जितने कॉइन टॉस किए हैं, यहाँ पर दो कॉइन टॉस किए थे, नीचे की तरफ 4 आ गया। अब ऊपर की बात करते हैं, अब जो ऊपर की तरफ मैंने आपको ट्रिक बताया था 11 की पावर करनी है, दो बार टॉस किया गया ना, तो 11 की पावर 2 करो 121, इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर हर बार हेड आ रहा है, इसका मतलब क्या था कि सारे के सारे टेल हैं, इसका मतलब क्या था कि कम्बिनेशन है, हेड भी है और टेल भी है। क्वेश्चन में कहा गया था कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो इसको तो काट ही दो, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी टेल थे, तो यहाँ पर सभी के सभी हेड थे और यहाँ पर भी एक ना एक हेड आ ही रहा था, तो टोटल की बात की जाए 1 + 2 करो 3, आपके पास आंसर आ जाएगा, तो 3x4 आ जाना था। जैसे मर्जी करो, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इस ट्रिक को यूज़ करना, इसकी हेल्प से आपके सैम्पल से स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़े आसानी से कर लोगे, बट इस ट्रिक के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करना अच्छे से हो जाएगा, बाकी नहीं हो सकता है। अगर आपके एग्जाम में 2 नंबर तक आता है, 2 पावर तक आता है, 2 कॉइंस की बात की जाती है, तो आप चाहे ये बना लेना, आपकी अपनी मर्जी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। यहाँ पर कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड व्हेन टू कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। यहाँ पर कहा गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है एक हेड की, एट मोस्ट कहा गया है यहाँ पर। पहले क्या कहा गया था, पहले वाले केस में कहा गया था एट लीस्ट वन हेड, मतलब कि कम से कम एक हेड होना ही चाहिए था। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया वहां पर क्या कहा गया था, एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आपके पास आना ही चाहिए था। यहां पर कहा गया है एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है कि लास्ट मैक्सिमम जो आपके पास रिजल्ट आएंगे ना, जो मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे वहां पर आपके पास एक ही हेड होना चाहिए, एक हेड से आपके पास ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। फिर से आपको बताऊंगा एट मोस्ट का मतलब क्या है, एट मोस्ट का मतलब है कि लास्ट आपके पास एक ही हेड होना चाहिए, उसे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, हेड चाहे ना भी हो तो भी चल जाएगा, बट लास्ट में जो रिजल्ट है उसमें मैक्सिमम एक ही हेड होना चाहिए। अब फिर से बात करेंगे, दो कॉइन्स को टॉस किया गया है ना, तो नीचे की तरफ आपके पास क्या आएगा, नीचे की तरफ आपके पास 4 आएगा, क्योंकि जो आपके पास पॉसिबल रिजल्ट थे वो कितने थे, 1, 2, 3, 4, नीचे आपने 4 लिख दिए। अब बात आती है ऊपर की, फिर से बताऊंगा एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड जाना चाहिए, कम से कम चाहे हेड ना भी हो तो भी चल जाएगा। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो दोनों हेड है ना, एट मोस्ट मैक्सिमम एक ही हेड होना चाहिए, ये वाली कंडीशन हो ही नहीं सकती। मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए, एट मोस्ट वन हेड, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर लास्ट एक ही हेड है, दो हेड तो है नहीं, तीन हेड तो है नहीं, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी एक ही हेड है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है चाहे यहाँ पर हेड नहीं है, बट ये भी आपके रिजल्ट में आ सकता है क्योंकि एट लीस्ट की यहाँ पे कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कंडीशन है एट मोस्ट की, लास्ट आपके पास एक ही हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा हेड तो नहीं है, तो ये भी आपके पास आंसर आ सकता है। तो फिर यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 3x4, क्लियर हो गया।
एट लीस्ट का मतलब था कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, एट मोस्ट का क्या है लास्ट आपके पास एक हेड होना चाहिए, एक हेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसको भी रिजल्ट में लिया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये थी कि एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, कम से कम चाहे ना भी हो तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे एक हेड से तो ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तभी मैंने 3/4 लिया। ये हमारे पास हो गए कॉइन वाले क्वेश्चन, कुछ कल भी करवाए थे, कुछ आज भी कर लिए। अब हम चलेंगे डाइस वाले क्वेश्चंस की तरफ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉल्स वाले क्वेश्चन है हमारे पास उसकी तरफ चलेंगे, फिर आपका प्रोबेबिलिटी वाला सेशन कंप्लीट हो जाएगा। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। चलो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर जो है ना डाइस वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। जैसे कल की वीडियो में हमने क्या किया था, हमारे पास डाइस वाले क्वेश्चन थे, हमारे पास क्या था, हम कह रहे थे एक ही हमने डाइस को थ्रो किया है, तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन आ गया कि बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपने एक बार डाइस को थ्रो किया, एक बार डाइस को फेंका, तो आपके पास जो नंबर थे वो इवन नंबर आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आप क्या करते थे, नीचे की तरफ आपके लिखोगे टोटल रिजल्ट आपके पास कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल आउटकम आपके पास 6 ही आ सकते हैं, नीचे की तरफ आपने 6 लिख दिया। ऊपर की तरफ आपने क्या लिखना था कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी थी, इवन नंबर की ना, तो इवन नंबर यहाँ पर कौन सा है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीन ही आपके पास इवन नंबर आ रहे हैं, आपके फेवर में तीन ही नंबर आ रहे हैं, 3/6 करोगे आंसर आ जाएगा 1/2। ये तो था जब आपके पास रहता था सिंगल कॉइन वाला, सिंगल थ्रो वाला, वहां पर आप ऐसे काम करते थे। या आपको कहा जाता है कि बताओ एक बार डाइस को थ्रो किया तो आपके पास जो नंबर था वो आपके पास 2 का स्क्वायर आ गया, तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, नीचे तो हमेशा 6 ही आएगा सिंगल थ्रो में, क्योंकि नेट रिजल्ट है, जो मैक्सिमम रिजल्ट आपके पास आ सकते हैं वो 6 ही आ सकते हैं। आपको आगे प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आपको उस नंबर आएगा वो 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 आता, ऐसा तो एक ही बार हो सकता है ना, ऐसी कंडीशन एक ही है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बट आज जो हम बात करते हैं, आज हम बात करें 2 बार थ्रो की, कि आपके पास 2 डाइस थे, 2 डाइस को थ्रो किया, वहां पर कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। उससे पहले फिर एक छोटी सी ट्रिक, वो ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ पे दोबारा से वही चीज़ बताऊंगा कि जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, वहाँ पर आपके कितने रिजल्ट आ सकते हैं मैक्सिमम, वो जैसे कॉइन के केस में क्या रिजल्ट आ रहे थे, 2 की पावर करते जाओ, अगर 2 बार कॉइन को टॉस किया तो 2 की पावर 2 कर लो, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब टोटल आउटकम वो आपके पास आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। यहाँ पर वैसे डाइस की बात करें, अगर एक बार डाइस को फेंका तो 6 की पावर 1, 6 रिजल्ट आपके पास आ गए, 2 बार डाइस को फेंका तो 6 की पावर 2 कर लो, 36 आपके पास आउटकम आ जाएंगे, 3 बार फेंका डाइस को, 3 डाइस थ्रो किए, 6 की पावर 3 मतलब 216 आ गए, ठीक है। इसी तरह से चलते जाना है, आपके एग्जाम में मैक्सिमम 6 की पावर 2 तक जाएगा, मतलब 2 डाइस की बात करेगा। अब 36 कैसे आ गया एक बार वो भी समझ लो, अगर सैंपल स्पेस बनाना चाहते हो तो। हो सकता है कि आपके पास 2 डाइस थे, पहले वाला ये है और दूसरा डाइस ये है आपके पास, हो सकता है कि जब आपने डाइस फेंके दो, पहले वाले में तो सामने जो फेस है ऊपर की तरफ 1 आया हो, दूसरे में भी 1 आया हो सकता है कि पहले वाले में 1 आ गया हो बट दूसरे वाले में 2 आ गया हो सकता है पहले वाले डाइस में 1 आया हो, दूसरे वाले में 3 आया हो, ऐसे चलता जाएगा 6 तक। वैसे हो सकता है कि जब अब एक लाइन कंप्लीट हो गई, फिर हो सकता है पहले वाले डाइस में 2 आ गया हो, दूसरे वाले में 1, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में भी 2, इस तरह से चलता जाएगा। वैसे 3 वाली लाइन होगी, 4, 5 करते करते लास्ट हमारे पास 6 वाली लाइन आएगी, जहां पर हो सकता है पहले वाले डाइस में 6 आ गया हो, दूसरे में 1, पहले में 6, दूसरे में 2, करते करते दोनों में 6 आ गया हो, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। आपको समझ आएगा, 36 केस आपके पास इस तरह से बन जाएंगे। नेट रिजल्ट आपको समझ आ गया, जो टोटल आउटकम कितने आएंगे आपके पास वो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना, वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर वो भी समझ लो, फिर क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर देखो 2 और 12 मैंने 1 लिख दिया, पहले मैंने लिख दिया 2, फिर 12 मैंने लिख दिया 1, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 12, 11, 10, 9, 8, 7, ठीक है। हालांकि पहली बार करोगे आपको पूरा टेबल लिखना पड़ेगा, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जितनी बार आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आएगा ना, जब भी प्रैक्टिस करते हो, इसको एक ही बार मत लिखो। आपने एक बार इस तरह का क्वेश्चन करना है, एक बार ये चार्ट बनाओ, दूसरी बार करने जा रहे हो फिर से ये बनाओ, तीसरी बार करने जा रहे हो फिर से ये बनाओ, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 11, 10, 9, 8, 7 इस तरह से हूँ। ये था क्या चीज़ कि आपने जब 2 डाइस को फेंका ना, 2 डाइस को फेंका तो आपके सम 2 आएगा या फिर सम 12 आएगा, ऐसा एक ही तरीके से हो सकता है कि जो आपका सम होगा 2 डाइस को फेंकने में, जो आपका सम आएगा वो 2 आएगा या फिर 12 आएगा, इसके होने के एक ही तरीका है। जैसे 2 आएगा उसके क्या चांसेस हैं, हो सकता है पहले वाले में भी 1 आ जाए, दूसरे वाले में भी 1 आ जाए, आपके पास सम 2 बन जाएगा। क्या और कोई तरीका है जिससे आपके पास 2 सम बन सकता है ही नहीं। वैसे जो आपके पास सम आएगा 2 डाइस में वो 12 आ जाएगा, उसका भी एक ही तरीका है, 6 और 6 दोनों डाइस में 6 आ जाएगा तभी 12 बन सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है, सैंपल स्पेस बना के देख लो।
वैसे अगर हम आगे की तरफ बढ़े, आपके पास 3 और 11 को लाने के दो तरीके हैं। 3 आपके पास कैसे आ सकता है? हो सकता है कि पहले वाले डाइस में 1 आ गया हो, दूसरे में 2 आ गया हो। या फिर सेकंड केस की बात करें, हो सकता है पहले वाले डाइस में 2 आ गया हो, दूसरे वाले में 1 आ गया हो। तो इस तरह से आपको बता रहा हूँ मैं, 3 आने के यहाँ पर दो चांसेस हैं, दो तरीके से 3 आ सकता है। वैसे ही 11 भी दो तरीकों से आ सकता है, 5 और 6, 6 और 5। उसी तरीके से 4 की बात करें, 4 जो है आपके पास 3 तरीकों से आ सकता है। एक हो सकता है 1 और 3 वाला, एक हो सकता है 2 और 2 वाला, एक हो सकता है 3 और 1 वाला। तीन तरीके से आपके पास जो सम 4 आ सकता है, वैसे तीन तरीकों से सम आपके पास 10 आ सकता है। अगर हम 5 की बात करें, 5 जो है वो 4 तरीकों से आ सकता है, 9 भी 4 तरीके से आ सकता है। क्लियर हो गया? ये वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, सम 2 होगा या सम 12 होगा, एक ही तरीका आने का, एक ही कंडीशन आपके फेवर में हो सकती है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। क्वेश्चन में कहा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन बोथ फेस इज 9। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका सम, जो भी फेस आपके सामने आएंगे, उनका जो सम रहेगा वो 9 रहेगा, व्हेन टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। दो डाइस उनको फेंका है, जो सम है वो आपके पास 9 आना चाहिए। अगर आपको ये चार्ट याद रहेगा और इसके बारे में याद रहेगा, आपको पता है आपने क्या किया है, दो डाइस थ्रो किए हैं, तो नेट आउटकम, नेट रिजल्ट आपके पास कितने निकलेंगे, 6 की पावर 2 कर लेना, 36। मतलब कि नीचे की तरफ आपको 36 आ जाएगा, ये सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत ही नहीं है। इतना क्लियर हो गया? आपको भी बताना चाहूँगा, जो ग्रुप डी के रेलवे के एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी के किसी तरह के एग्जाम वगैरह रहते हैं, एमटीएस के एग्जाम रहता है, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन बड़े आते हैं, तभी आपके लिए मैं चीज़ लाया हूँ, वरना आपको मैं चीज़ बताता नहीं। ठीक है, आपको मैं सिंगल वाले केस में चला के तो आगे बढ़ जाता है यहाँ पर। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, दो डाइस हैं, नीचे की तरफ 36 आ जाएगा, 6 की पावर 2 कर लिया। अब ऊपर की तरफ क्या कहा गया, सम आपके पास कितना रहना चाहिए, सम आपके पास 9 रहना चाहिए ना, तो 9 लाने के कितने तरीके हैं, 4 तरीकों से आपके पास 9 आ सकता है आपके फेवर में, 4 कंडीशन से। ऊपर की तरफ 4 लिख दो, इसको सॉल्व करोगे 1/9 आ जाएगा। जो मेरे पास एमटीएस के एग्जाम की बात कर रहा था, वहां पे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, कभी सम वो 11 पूछ लेता है इस तरह से, कभी सम वो 10 पूछ लेता है, बट जो मैंने क्वेश्चन देखा था वहां पे 11 वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब बताओ, आप अगर इस तरह से बनाकर करते आपको कितना ज्यादा टाइम लग सकता था, बट इस ट्रिक से आप बड़ी जल्दी कर सकते हो। कहा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आपने दो डाइस को थ्रो किया, जो सम रहेगा वो 11 बन जाएगा। 11 बनने का सिंपल है, टोटल आउटकम आपके पास 36 ही रहने वाले हैं ना, दो बार कौन को टॉस किया है, दो बार डाइस को थ्रो किया है, नीचे की तरफ 36 ही आएगा। इतना क्लियर हो गया? बट कंडीशन रहती है, बात रहती है कि ऊपर आपके फेवर में कितने केस आ रहे हैं, वो निकालना डिफिकल्ट रहता है, उसके चार्ट आपके सामने है। ठीक है, अब आपने क्या कहा था, मैंने आपको सम जो है 11 आना चाहिए, 11 जो है वो दो तरीकों से आ सकता है, तो 2/36 बन जाएगा, काट दो आपके पास 1/18 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे काट दो, 1/18 आपके पास आंसर बन जाएगा। वैसे आपसे पूछ रहा था, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है जब मैं डाइस को थ्रो किया, जो सम रहेगा वो 5 रहेगा, तो 4/36, सम जो है वो 3 रहेगा, 2/36। क्लियर हो गया? ये चार्ट की इंपॉर्टेंस ये है, इसको अच्छे से समझना। और आपके डाइस या तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि बताओ इवन नंबर क्या आएगा जब आपने एक बार डाइस को थ्रो किया, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ, या फिर बोलेगा 2 का स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे। और अगर दो डाइस की बात करें, वहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि सम वाले प्रोबेबिलिटी बनेगी कि 11 सम आएगा, 12 सम आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। जब भी दो डाइस की बात की जाएगी, नीचे में से 36 ही आएगा, बट ऊपर क्या आएगा ये आपके सामने सब पूछे। क्लियर हो गया? एक बार इसको नोट डाउन कर लो अगर कहीं पे कर रहे हो, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ना। बट फिर से कहूंगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसको सिर्फ एक ही बार कहीं पर नहीं लिखना, जितनी बार क्वेश्चन करोगे उतनी बार ये चार्ट बनाना, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। क्लियर हो गया? डाइस वाले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ किसी और तरह का क्वेश्चन है। डाइस में इतने क्वेश्चंस इनफ हैं, आपको मैंने बता दिए, पहले वाले क्वेश्चन भी, कॉइन वाले क्वेश्चन भी बता दिए, डाइस वाले भी बता दिए, कल की वीडियो में भी करवाया था, प्रैक्टिस के लिए भी दिए थे, आज भी आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। एक मैं आपको करवा देता हूँ बॉल वाले क्वेश्चन, ठीक है, बॉल वाले क्वेश्चन, और मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन, ये दो केसेस और बनते हैं। हालांकि यहाँ से आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन आते नहीं है, यहाँ पर आ जाते हैं, बट यहाँ पे सिंगल बॉल वाले आते हैं। ठीक है, आज मैं आपको 2 या 3 बॉल वाले भी करवा दूंगा, वो चीज़ समझाऊंगा, उससे पहले आपको फैक्टोरियल समझाना जरूरी है, एक बार हम वो समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले छोटा सा कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको कहीं पर आता है 4 फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब कि आपने सिंपल पावर को कम करते जाओ, जैसे नंबर है ना 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब नंबर कम करते जाओ, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करते करते 1 तक आ जाओ, ये 4 फैक्टोरियल आपने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर 24। आपको 3 फैक्टोरियल आता है, आप कैसे सॉल्व करोगे, 3 × 2 × 1 आपके पास आंसर जाएगा 6।
कोई भी किसी भी तरह का नंबर होगा, एक एक स्टेप कम करते करते वन की तरफ आना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है फैक्टोरियल सॉल्व, ये होगा सिंपल। आगे ये क्वेश्चन आएगा बोलो जो कंसेप्ट आएगा ना वहाँ पे काम आएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है आपसे कह दिया 4C2, अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने का भी सिंपल सा तरीका है। अभी यहाँ पे इसके पीछे की कहानी आपको नहीं समझाऊंगा, अभी जब हम बैंकिंग क्लास स्टार्ट करेंगे तब आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ इसको सॉल्व करने का तरीका समझो, सॉल्व कैसे करते हैं। 4C2 को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं, ऊपर की तरफ आपको 4 फैक्टोरियल करना है, ऊपर की तरफ 4 है ना, ऐसे रहता है ये 4C और 2 ऐसे रहता है, ठीक है। ऊपर की तरफ 4 फैक्टोरियल कर देना है, नीचे की तरफ आप क्या सॉल्व करोगे, 2 फैक्टोरियल है, इसको वैसे का वैसे ही रहने दो। यहाँ पर क्या करना होता है, जो दो नंबर है ना इनको माइनस करके उसका भी फैक्टोरियल निकालना होता है, इस तरह से भी करना होता है, इसको ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मर्जी कर लो, एक बार इसको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर की तरफ 4 फैक्टोरियल है, नीचे की तरफ आपको क्या सॉल्व करना है, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 आपके पास आंसर आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल वो था और ये 2 फैक्टोरियल पहले का था, इसको एज इट इज लिख दिया। अगर मान के चलो आपको कहा होता 5C3, आप कैसे सॉल्व करते, ऊपर की तरफ 5 फैक्टोरियल होता, नीचे क्या होता, इन दोनों का डिफरेंस, 5 में से 3 गए, 2 फैक्टोरियल, और ये जो नंबर था इसका भी फैक्टोरियल आपको लिखना होता है, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। इतना क्लियर हो गया, हमें यहाँ पे 4C2 सॉल्व करना था, ऊपर की तरफ 4 फैक्टोरियल कर दिया, नीचे इन दोनों का डिफरेंस और जो हमारे पास नंबर था उसका फैक्टोरियल अलग से। अब यहाँ पर क्या है, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 × 3 × 2 × 1 वो हमने कर दिया। नीचे की तरफ 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 × 1, इसकी बात करें 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 × 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तभी मैंने बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया, ठीक है। इसको कैंसिल कर लो, आपके पास आंसर ये 2 और 2 4, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 6 आपके पास आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब आपने एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है, सिंपल सा तरीका याद रखना, 4C2 है ना, 4C2 जो भी नंबर यहाँ पर होगा ना, अगर 2 है ना, आपको सिंपल ऐसे करना है, सारा डिफरेंस वगैरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 4C2 है तो आपने क्या करना है, 4 को कहाँ तक ले जाना है, 4, 3, 2, 1 नहीं करना है, आपको दो नंबर तक सॉल्व करना है, मतलब 4 × 3 तक ही करना है, इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। और जो नीचे आपके पास नंबर गिवन है, 2 नंबर गिवन था, 2 का फैक्टोरियल सॉल्व कर लेना है, आगे समझ। जैसे 5C3 है ना, इसको हमने कैसे सॉल्व करना था, इसको हमने क्या करना था, 5 × 4 × 3, मतलब 3 है ना, तो 3 स्टेप आपको नीचे जाना था, नीचे की तरफ 3 फैक्टोरियल सॉल्व कर देना है, इतनी कहानी करनी है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 2 को 1 से काट लो, ये 2 को 2 से काट लो, 2 को मल्टीप्लाई कर 3 से, आंसर आ जाएगा 6। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ पर ये अप्रोच यूज़ करेंगे, ये डिफरेंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ये शॉर्टकट तरीका है। अगर आपको कहा होता कहाँ काम आता है, अगर आपके पेपर में होता 6C2, अब आपने ऐसे थोड़ी करना था, ऊपर की तरफ 6 फैक्टोरियल सॉल्व करो, फिर इन दोनों का डिफरेंस 4 फैक्टोरियल सॉल्व करो, फिर 2 फैक्टोरियल सॉल्व करो, ऐसे नहीं करना। 6C2 है ना, 6 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 2 स्टेप तक जाना था, और नीचे की तरफ 2 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, कहानी खत्म। इस तरह से करना होता है, ये अप्रोच नहीं यूज़ करनी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, बट इंपॉर्टेंट हैं अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो। यहाँ पर कहा गया, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 4 ग्रीन एंड 6 बॉल्स, एक ऐसा बैग है जिसमें 5 बॉल्स तो ऐसी हैं जो रेड कलर की हैं, और साथ में कहा गया 4 बॉल ऐसी हैं जो ग्रीन कलर की हैं, और साथ ही साथ 6 बॉल्स ऐसी हैं, 6 बॉल ऐसी हैं जो ब्लैक कलर की हैं। क्लियर हो गया। कल की वीडियो में यानी कि लास्ट की वीडियो में क्या समझा था कि हमारे पास एक बैग था, वहाँ पे कई तरह की बॉल वगैरह रहती थी, और हमें कहा था कि हमने रैंडमली एक बॉल निकाल ली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। वहाँ पर हम सिंपल वही करते थे, नीचे की तरफ हम क्या करते थे, टोटल बॉल कितनी है वो लिखते थे, और ऊपर जो भी हमारे फेवर में आ गया वो काम करते थे। यहाँ पर जब आते हैं दो बॉल्स वाली, जो दो बॉल वाला केस आ गया, 3 बॉल वाला केस आ गया, वहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, वहाँ पर फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं, वो कैसे वो समझो। यहाँ पर कहा गया, इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, मतलब यहाँ पर क्या करना है, 3 बॉल्स को रैंडमली निकालना है, एक बॉल वाला केस नहीं है, यहाँ पर 3 बॉलों को जो रैंडमली आपने निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जितनी भी बॉल्स आपके पास आएंगी वो सभी की सभी रेड कलर की होंगी। क्या प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, जितनी भी बॉल्स होंगी वो सभी की सभी रेड कलर की होंगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे की तरफ फिर से वही काम आपको करना है, नीचे की तरफ क्या करना है, टोटल आपके पास रिजल्ट कितने, टोटल आउटकम क्या हो सकता है, 5 + 4 9 + 6 15, नीचे की तरफ आपने 15 तो लिख दिया, बट यहाँ पर कहानी नहीं खत्म हो गई, यहाँ पर एक बॉल वाला केस नहीं है, यहाँ पर 3 बॉल वाला केस है, एक बॉल से ज़्यादा वाला केस आ गया, चाहे 2 बॉल को चाहे 3 बॉल को हो, यहाँ पर 3 बॉल्स निकालनी है ना, टोटल 3 बॉल रैंडमली निकालनी है, तो 15C3 को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। इतना क्लियर हो गया।
अगर आपको कहा होता कि आपको रैंडमली दो बॉल निकालनी है, आप 15 C2 सॉल्व करते। अगर आपको वो बोलता कि आपको इनमें से चार बॉल निकालनी रैंडमली, आप 15 C4 को सॉल्व करते। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं तीन बॉल निकालनी थी, रेड वाली बॉल निकालनी थी, टोटल आपको तीन बॉल निकालनी थी ना 15 में से, तो 15 C3 आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर की बात करें, अब हमारे फेवर में क्या है, आपको क्या चाहिए। यहाँ पर आपको कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स आर रेड इन कलर, कि जितने भी बॉल्स होंगे वो सभी के सभी रेड होने चाहिए। अब फिर से बात करें, यहाँ पर देखो रेड कौन सी है आपके फेवर में, ये वाली बॉल्स है ना, मतलब फाइव वाली जो आपके फेवर में है, रेड वाली फाइव है। बट यहाँ पे भी फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट यूज होगा, C3 आप लिखोगे। C3 कौन लिख रहे हो, क्योंकि पांच रेड बॉल में से आपको तीन रेड बॉल चाहिए ना, तो 5C3 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार फिर से दोबारा से आपको समझाऊंगा मैं यहाँ पर। आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आपको यहाँ पर नीचे की तरफ टोटल था ना, टोटल बॉल आपको पहले की तरह यहाँ पर भी लिखनी है, बट यहाँ पे फैक्टोरियल कंसेप्ट यूज़ करना है कि आपको टोटल बॉल में से कितनी बॉल निकालनी रैंडमली। रैंडमली आपको तीन बॉल निकालनी है ना, तो रैंडमली आपने जितनी बॉल निकालनी थी अपने वो यहाँ पर लिख दिया 15C3। क्लियर हो गया, नीचे की तरफ बॉल का कंसेप्ट लिख दिया। ऊपर की तरफ क्या है, आपके जो फेवर में चीज़ आपको वो लिखनी है। यहाँ पर बात की जाए आपके फेवर में क्या है, आपके फेवर में रेड बॉल कितनी है, तो आपके फेवर में रेड बॉल चाहिए ना, तो टोटल रेड फाइव रेड बॉल हैं, तो 5C3 आप लिख दोगे, पांच में से तीन रेड बॉल चाहिए। बस ये कंसेप्ट समझ लो, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। अब सिंपल सा फंडा है, आपने इसको सॉल्व करना है, एक तरफ 15C3 को सॉल्व कर लो, एक तरफ 5C3 को सॉल्व कर लो। अगर मैं पहले 5C3 को सॉल्व करता हूँ, मैंने आपको भी कंसेप्ट बताया है, शॉर्टकट तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, 5C3 को 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 लिखा हुआ है ना, 3 स्टेप तक जाओ, नीचे 3 फैक्टोरियल कर लो। 3 फैक्टोरियल करोगे मतलब क्या हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, वो वाली कहानी यहाँ पर आपको करनी है। आगे 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर 4, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर 10। ऊपर का तुमने सॉल्व कर दिया, 10 आ जाएगा। नीचे की तरफ क्या आएगा वो देखो, नीचे की तरफ सॉल्व करना है 15C3। अब यहाँ पर आप अप्रोच यूज करते हैं ना पुराने वाले, काफ़ी आपको टाइम लगना था। 15C3 है, 15 को मल्टीप्लाई करो 14 से, 14 को मल्टीप्लाई करो 13 से, क्योंकि 3 स्टेप तक हमने जाना था, और नीचे की तरफ करो 3 फैक्टोरियल का, 3 इंटू 2 कर लो, ये कट जाएगा 5 से, ये कट जाएगा 7 से। यहाँ पर 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया आपने 35, 35 को भी 13 से मल्टीप्लाई करना है, 35 को 13 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 455, तो 455 आपने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 91 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/91 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। क्लियर हो गया, अभी हम और कर लेते ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। जैसे यहाँ पर कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल इज रेड एंड टू बॉल्स आर ग्रीन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट आपको मैं समझा देता हूँ। याद रखना, जब भी पहले चलो आपको एक इस तरह का क्वेश्चन और करवा लेता हूँ, इसी सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन और करवा लेता हूँ, फिर आपको एक लेवल और आगे की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर कहा गया था आपके पास एक बैग है जहाँ पर चार बॉल तो आपके पास रेड हैं, फिर आपको कहा गया था पाँच बॉल आपके पास ब्लू वाली हैं, फिर आपको कहा गया था तीन बॉल आपके पास ग्रीन वाली हैं, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन था, यहाँ पे बॉल थोड़ी चेंज की हुई है, और आपको कहा गया था आपने रैंडमली यहाँ पे दो बॉल निकालनी है। रैंडमली आपने कितनी बॉल निकालनी है, रैंडमली आपने सिर्फ दो ही बॉल निकालनी है, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दो बॉल निकलेंगी वो दोनों के दोनों रेड कलर की होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर से वही काम है, आपको नीचे की तरफ क्या करना था, आपको देखना टोटल रिजल्ट कितना है, टोटल 5 + 4 9 + 3 12 बॉल है, तो 12 में से आपको कितनी बॉल निकालनी है, टू बॉल्स निकालनी है ना, तो नीचे की तो 12C2 सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर की बात करें, ऊपर आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर की बात करके फेवर में क्या है, रेड बॉल्स फेवर में है ना, तो टोटल 4 रेड बॉल हैं, बट आपको चाहिए कितनी, इनमें से 2 चाहिए ना, तो ऊपर की तरफ 4C2 सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसी क्वेश्चन ने कहा होता कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको दो बॉल्स निकालनी रैंडमली, लेकिन जो दोनों की दोनों बॉल्स हैं वो ग्रीन होती, तो आपका आंसर ऊपर की तरफ क्या होता, आपका आंसर तब ऊपर की तरफ क्या हो जाता, आपका आंसर हो जाता 3C2 हो जाता, क्योंकि 3 ग्रीन में से 2 बॉल जो है आपके पास वो ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो था हमारे पास 4C2, इसको सॉल्व करके आप बताओ क्या आंसर आता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा लेवल, जो हमने क्वेश्चन ये वाला कर रहे थे ना इसका थोड़ा। अब याद रखना, जब भी आपके उस क्वेश्चन में एंड आ जाएगा ना, एंड, और जब भी आपके क्वेश्चन में और आ जाएगा, एंड और वाला केस बनता है, यहाँ पर और कोई केस बनता नहीं है। अगर एंड आ जाएगा तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, अगर आपके पास और आ जाएगा तो प्लस करना है। यहाँ पे इसके पीछे एक कंसेप्ट आपको बता नहीं रहा, सिंपल आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में एंड आएगा मल्टीप्लाई कर देना है,
और आ जाएगा तो प्लस कर देना। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताओ दैट वन बॉल इज रेड, कि एक बॉल जो है वो रेड है एंड टू बॉल्स और ग्रीन, कि जो दो बॉल्स हैं वो ग्रीन है। अब यहाँ पर और घुमा दिया, बट हम क्वेश्चन को करते हैं कैसे करना है। टोटल बॉल आपके पास कितनी है, 5 + 4 = 9 + 6 = 15। टोटल बॉल अभी भी आपके पास 15 ही है, और आपको कितनी बॉल्स निकालनी है, एक बॉल जो रेड होनी चाहिए और दो बॉल्स जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। मतलब अभी भी आपको तीन बॉल निकालनी है, केस पहले की तरह ही है, अभी भी आपको क्या निकालना है, तीन बॉल्स निकालनी है। 15 में से आपको तीन बॉल निकालनी ना, एक से ज्यादा जब भी आपको बॉल निकालनी होगी इस तरह का आपको फैक्टोरियल कंसेप्ट यूज करना है। अभी आपको फिर से बता रहा हूँ कितनी बॉल निकालनी है, आपको तीन बॉल निकालनी है 15 में से, नीचे की तरफ हमने वो लिख दिया। ऊपर की तरफ क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा था कि जितनी भी बॉल्स होंगी सभी की सभी आपके पास रेड होनी चाहिए, तो आपने 5C3 कर लिया, क्योंकि 5 रेड में से आपको 3 रेड चाहिए थे ना, आपने वो कर दिया। यहाँ पर कहा है कि एक बॉल जो रेड होनी चाहिए, एक बॉल रेड होनी चाहिए, और साथ में कहा गया दो बॉल जो है वो आपके पास ग्रीन होने चाहिए, और बीच में कंसेप्ट गिवन है एंड वाला कंसेप्ट गिवन है, इसका मतलब हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई आएगा। कंसेप्ट वही है, एक बॉल रेड होनी चाहिए ना, तो रेड है कितने आपके फेवर में, 5 है ना, तो 5 में से एक जो रेड होनी चाहिए, तो 5C1 आ गया। ग्रीन की बात करें आपके फेवर में है कितनी, ग्रीन है कितनी, 4 ग्रीन है ना, और आपको कितनी चाहिए, 2 ग्रीन होनी चाहिए, तो 4C2 कर लो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक तरफ आपको 15C3 को सॉल्व करना है, जो हमने भी कुछ देर पहले सॉल्व किया था, उसका क्या आंसर आया था, 15C3 का उसका आंसर हमारे पास आया था 4455 के करीब आंसर आया था, ठीक है। ऊपर की तरफ आपको क्या सॉल्व करना है, 5C1 सॉल्व करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना 4C2 से, और ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कुछ कंसेप्ट थे हमने आज का समझा, हमने जो हमारे पास कॉइन था उस वाले कंसेप्ट हमने समझे, हमने डाइस वाले कंसेप्ट समझ लिया कि सिंगल डाइस नहीं डबल जो दो थ्रो वगैरह थी उसको हमने कंसेप्ट समझा, ट्रिक्स भी समझे। फिर हमने एक बार में रैंडमली एक से ज़्यादा बॉल निकालनी है उसका कंसेप्ट भी समझ लिया। अब आपको मैं बता दूँ कोई भी इवेंट होता है ना उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 1 रहती है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कितनी रहेगी हमेशा, वो हमेशा 1 रहने वाली है। किसी भी इवेंट की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है, यहाँ पे आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बेस कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर कहा गया है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.3, मतलब किसी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.3 है, तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो यस नो वाले केस के रहते हैं। मैंने आपको बताया जो प्रोबेबिलिटी रहती है किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है 1 रहती है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यस बोल सकते हो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बोल सकते हो वो हमेशा 1 के बराबर रहने वाली है। और आपने देखा होगा व्हाइट बोर्ड भी ऐसे ऐसे करके हाँ हाँ कर रहा था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 1 रह रही है। यहाँ पे क्वेश्चन आपने देखा कहा गया है, कहाँ गया, यहाँ पे कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम, प्रोबेबिलिटी जीतने की जो है वो जो प्रोबेबिलिटी यस है जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 का दी गई है। तो कहा गया बताओ प्रोबेबिलिटी हारने की कितनी होगी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रहती है, मैंने आपको बताया मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 रहती है, 0.1 आपको अगर हारने के जीतने की दी है तो बाकी हारने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहने वाली है, और टोटल मैंने आपको बताया हमेशा 1 रहने वाली है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हारने वाली है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1, 0.3 यहाँ पे माइनस कर लो तो 1 - 0.3 कर लो, तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन में तो है नहीं, तो आंसर आपका 0.7 आ जाएगा। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटन एप्पल, जो प्रोबेबिलिटी एक रोटन एप्पल को सिलेक्ट करने की रैंडमली, आपके पास 900 एप्पल्स हैं, आपके पास टोटल एप्पल की बात करें, टोटल एप्पल की बात करें वो कितने हैं, 900 हैं, उसमें से जो रोटन एप्पल है खराब एप्पल है उसको जो निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.18। यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पहले से गिवन है। अभी तक हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको पहले से गिवन है, और आपको ये भी गिवन है कि टोटल आपके पास रिजल्ट, टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आपके पास रिजल्ट क्या था, 900 एप्पल थे, और उसमें से रोटन एप्पल को निकालने की प्रोबेबिलिटी, जो रोटन एप्पल है उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन था 0.18, यानी कि आपके फेवर में क्या है, यहाँ पर आपके फेवर में रोटन वाले एप्पल वो आपके फेवर में है। तो आपको कहा गया बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स, कितने हुए होंगे ये आपको बताना है। तो सिंपल सा फंडा है, इसको अब इसे मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, स्क्रीन में ये रहेगा 162। 900 को जब 0.18 से मल्टीप्लाई करोगे 162 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़े बहुत चांसेस है, बट मैं आपको रिस्क नहीं लेना चाहता इसलिए करवा रहा हूँ।
एक लास्ट कैटेगरी का क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ, जहां पर कहा जाता है लीप ईयर वाले क्वेश्चन है, वो आप देख लो वो कैसे करने। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, उससे पहले हम टारगेट रखेंगे यहाँ पे 2000 लाइक्स का। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को शेयर करोगे, टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। अब हम चलेंगे लीप ईयर वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लीप ईयर आपके पास आएगा। लीप ईयर आपको पता है लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। आपको कहा कि जो लीप ईयर आपके सामने आ रहा है उसमें 53 संडेज होंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो इस बार लीप ईयर आपके सामने आ रहा है उसमें 53 संडेज रहेंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे फिर से आपको बताना चाहूंगा। पहले आप देख लो कि जो पूरा ईयर है लीप ईयर है इसमें कितने वीक्स रहते हैं आपके पास, कैसे निकालोगे। एक हफ्ते में 7 दिन है इतना आप सभी को पता है, और उन 7 दिनों में एक संडे रहता है इतना भी आप सभी को पता है। तो पूरे 366 डेज में कितने संडे आते होंगे, 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं 366 को डिवाइड करूं मैं 7 से, 366 को डिवाइड करूं मैं 7 से, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35, 1 यहां पर कैरी चल जाएगा बन जाएगा 16, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14 आ जाएगा, 2 आपके पास अभी भी कैरी आ जाएगा। इसका मतलब क्या था, लीप ईयर में आपके पास 52 वीक तो आएंगे ही आएंगे, 52 वीक आए हैं इसका मतलब कि 52 संडे भी तो आए हैं, 52 संडे तो कंफर्म हो गए। अब यहाँ पर वो बात क्या कर रहा है, इतना समझ आ गया ना, 52 हमारे पास वीक आ गए, अगर 52 हफ्ते हमारे पास आ गए तो इसका मतलब 52 हमारे पास संडे भी आ चुके हैं, इतना क्लियर हो गया। बट 2 दिन तो अभी भी बचे हुए ना। अब इन 2 दिनों में हो सकता है कि जो पहला वाला दिन था वो आपका संडे होता और दूसरा दिन मंडे होता, एक तो ये चांस है। ये भी हो सकता था कि आपके पास जो पहला वाला डे है वो मंडे हो जाए और दूसरा वाला ट्यूसडे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहला वाला दिन ट्यूसडे दूसरा वेडनेसडे। ये भी हो सकता है जो 2 दिन आपके पास बचे थे वो पहला वाला वेडनेसडे होगा दूसरा वाला थर्सडे होगा। ये भी हो सकता है कि लीप ईयर में जो 2 दिन हमारे पास बचे थे वो पहला वाला थर्सडे दूसरा फ्राइडे। ये भी हो सकता है कि पहला वाला फ्राइडे होगा दूसरा वाला सैटरडे होगा। ये भी हो सकता है कि पहला वाला सैटरडे होगा और दूसरा वाला संडे होगा। यही चांस हो सकते हैं ना, और कुछ तो हो ही नहीं सकता। जो 2 दिन बच गए थे जितने भी केसेस बन सकते थे मैंने आपके सामने लिख दिए। कितने केस बन रहे थे, एक ये बन रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 हमारे पास अभी भी जो टोटल केस हमारे पास बच रहे थे। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितने संडे होने चाहिए, हमारे पास 53 संडे होने चाहिए। 52 संडे तो हो गए उसको पीछे कर दो, अब हम चलेंगे एक संडे हमारे पास और आना चाहिए। हमारे पास टोटल आउटकम कितने निकले, टोटल आउटकम निकले 7 हमारे पास। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए संडे, एक संडे तो यहाँ पर आ रहा है जो हमारे फेवर में है। यहाँ पर संडे है नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ये सैटरडे था यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी आ सकता संडे। तो हमारे फेवर में कितने रिजल्ट आ रहे हैं, हमारे फेवर में 2 आ रहे हैं ना, तो 2 हमारे पास आ गया जो हमारे फेवर में है, और टोटल कितने थे 7 थे। तो ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कि जो लीप ईयर है उसमें 53 हमारे पास संडे रहने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अभी भी किसी तरह का डाउट अगर आपको है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और आपको बताना चाहूँगा इससे पहले हम रीजनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी रीजनिंग की। मैथमेटिक्स की बात करें हमने बेसिक्स कवर किए, एलसीएम एचसीएफ के 3 से 4 पार्ट्स बने थे हमारे पास, फिर हमने टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट कर लिया। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आपने मैथमेटिक्स भी कंप्लीट कर लिया हो, और इंग्लिश पे हमने स्टार्ट किया है। एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं होता, हमारा इंस्टाग्राम ट्विटर सब जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम वहाँ पर भी आपको लिंक शेयर करेंगे। फिर से बोलूँगा जो हमने टारगेट रखा है 2000 लाइक्स का, वो अचीव करवाने में अपने हमारी हेल्प करनी है। थैंक यू, जय हिंद।